हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना बंगाली स्टाइल वाली मटन और आलू की एक बहुत ही पतली सी ग्रेवी वाली मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको ना बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। ये ज़्यादा मसाले में से भरा नहीं रहता, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, सबसे पहले ना मैंने आधा किलो मटन ले लिया है, वॉश कर लिया अच्छे से। उसमें डाल दिया है मैंने हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और सब की जो क्वांटिटी है ना वो मैंने एक एक चम्मच करीब ली है। और देखिए, यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है, ये थोड़ा तीखा वाला है क्योंकि तीखा मटन जो है बहुत ही अच्छा लगता है इसमें आलू के साथ। तो फिर इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, दो चार हरी मिर्च को ऐसे फाइल करके, और एक मैंने टमाटर यूज़ किया है। आपके पास अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटर के जगह। फिर इसमें डालेंगे नमक और सरसों का तेल डाल के ना 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हाथों से ना इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए इसको मिक्स करने के लिए, ताकि ना बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले जो है ना अंदर तक जाए। तो फिर मिक्स करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अब देखिए, तेल मैंने गरम कर लिया है, ये सरसों का तेल है क्योंकि ऑब्वियसली सरसों का तेल जो है मटन चिकन वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आलू ले लिया है, 2 टुकड़ों में से काट लिया है, एक मीडियम साइज़ का आलू है, मीडियम साइज़ के आलू को। फिर हमें ना 2 से 3 मिनट बस इसको ना फ्राई करना है, इसको ज़्यादा फ्राई बिल्कुल ना करें, इससे इसका जो ऊपर का लेयर है ना थोड़ा मोटा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा वो फिर। तो अब देखिए, मैंने इसमें ज़ीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है। अब तेज़पत्ते को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज इस्तेमाल किया है। जो आलू वाला जो मटन होता है ना, उसमें प्याज भी थोड़ा कम लगता है क्योंकि आलू में मिठास होती है, और प्याज भी अगर ज़्यादा रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो अब देखिए, प्याज हमने गोल्डन कलर का फ्राई कर लिया, उसके बाद हमने जो मटन मैरिनेट करके रखा था उसको डाल दिया। अब अच्छी तरह से ना इसको मिक्स करेंगे और एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के हमें कुक करना है। जितना आप इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आते रहेगा। तो अब मैंने इसको ढक दिया है, 2 से 3 मिनट बाद इसको मैंने एक बार ऐसे चेक कर लिया और इसको चला लिया है। फिर इसको मैं ढक के 3 से 4 मिनट फिर कुक करूँगी। तो अब मैं देखिए, खड़े मसाले तेल में डायरेक्ट डालने से अच्छा मैं इसको पीस के ही डालती हूँ, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, 4-5 मिनट बाद इसको मैंने 2 से 3 बारी अच्छी तरह से ढक ढक के पका लिया है। फिर मैंने इसमें देखिए 3 जो गोल वाले लहसुन हैं उनको डाल दिया, और जो हमने थोड़ा सा फ्राई करके रखा था आलू को उसको भी डाल दिया। फिर 2-3 मिनट बाद इसको निकाल के प्रेशर कुकर में डाल लीजिए। प्रेशर कुकर में डालने से ये जल्दी कुक हो जाएगा, मटन जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो बस आपको इसमें जितना पानी चाहिए उतना आप डाल लीजिए। चूँकि ये आलू मटन की पतली ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ, और जो मसाले में हमने पीस लिए थे गरम मसाला को उसको भी डाल देना है। तो बस 2 सीटी के बाद देखिए रेडी है ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त आलू और मटन की रेसिपी। ये देखिए, मैंने इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी ट्राई करिए, इस तरह से मटन को बनाइए घर पर, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए।